मियां बीवी के झगड़े में बीच में मत बोल बच्चे, बहुत बुरा मारेंगे बताए रहे। सुना, मियां बीवी बोल रहा है, अब बचा ही क्या है। अरे प्रतिज्ञा जी, अगर आप हमारी किसी बात से नाराज हैं तो हमसे कहिए। अरे हम क्या अकेले में बैठ के रूठना मनाना कर लेंगे, इतने सारे लोगों के सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत। तमाशा हमने, तमाशा आप बना रहे। अरे देखिए सही नहीं कर रही आप, पुरानी सारी बातें भूल गई, इतनी जल्दी बदल गई आप। अरे ये क्या दिला सकते हैं आपको बताइए। अरे हम इससे ज्यादा अच्छे तरीके से रखेंगे, रानी बना के रखेंगे आपको, रानी ऐस करेंगी ऐस, वरना पछताएंगी उम्र भर। प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे हम गहनों से लाद देंगे आपको सर से पांव तक। प्लीज जाओ यहाँ से और अपना पागलपन कहीं और जाकर दिखाना। अरे पागल तो आप हो गई प्रतिज्ञा जी। अरे जब हम आपको अपनी बीवी बनाना चाहते हैं तो आप किसी और की बीवी बनना चाह रही हैं। अगर ऐसी बात है ना तो दीजिए, हमारे सर पे हाथ रखे नहीं है, दबाव में नहीं कर रही, अपने दिल से कर रही है। देख नहीं रहा क्या भैया, कसम खिल मारे। अरे कोई इसको तो बाहर कर। अरे चुप, बता रहे खबरदार, समझे कोई नहीं, अबे 300 बम गिरेंगे। हाथ छोड़ो हमारा, पहले सच को कबूलिए, जो बात आपको हमको पता है इन सबको पता होनी चाहिए। अरे बता दीजिए इनको कितना प्यार करती है आप हमसे, खाइए कसम। निकाल छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे, पहले आप कसम खाइए। कसम खाइए पहले। आपने जैसे हरकत की है ना भाभी जी, अगर कोई और होता ना तो भैया चीर के फेंक देते उसको। लेकिन आपको वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए, जानती है क्यों? अरे जान दे यार टुन्ना, किस झूठी के आगे ये बात कह रहा है? देखा भैया, लड़की तो होती है फरेब की घटरी। और आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कहते हुए इतना बड़ा झूठ। पहले तो भैया के एक इशारे पे कुछ भी करने के लिए तैयार थी, इतना प्यार करती थी, और आज सबके सामने उसको झूठा ठहरा रही है। एक संदेश भेजा था सिविल लाइन्स में मिलने के लिए, फट से दौड़ी चली आई थी, तब नहीं आई आपको इलाज ही शर्म। भैया ने बोला कि दर्शन दे दो तो तुरंत दरवाजे पे निकल आई। चौकी है ना प्रोफेसर साहब, भैया ने तोहफे में साड़ी दी थी, कहा था पहन के देखना चाहते हैं। एक मिनट से पहले साड़ी पहन के बाहर आ गई दिखाने के लिए, तब कहां गई थी? भैया जो जो कहते थे ये वो करती थी, और अब चली उस चिकने के साथ शादी करने के लिए। वाह भाभी जी बहुत बढ़िया, कल तक तो आप भैया के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी, अब क्या हुआ? बहुत जल्दी आपका बीमारपन हो गया। तुम्हारी बहन कभी ऐसे इंसान से नहीं प्यार कर सकती, बकवास मत करो तुम। इतनी सारी कहानियां सुनाए फिर भी यकीन ना आए तो अपनी बहन से पूछ लो, क्यों भाभी? क्या लगता है आपको, ये सब हम झूठ बोल रहे हैं? तो आप भैया को आप सिविल लाइन्स में मिलने नहीं आई थी, कॉफी नहीं पी थी आपने साड़ी की दुकान में भैया के साथ, बोलिए बोलती का है नहीं? तो भैया के कहने पे अब वो साड़ी पहन के बाहर नहीं आई थी, या फिर उनको दर्शन देने नहीं आई थी? काहे चुपचाप बैठी है, अब बोलती का है नहीं, बोलिए। क्या तुम बोलती क्यों नहीं कि ये सब झूठ है? भैया आज के युग में कोनों पे भरोसा किए तो समझो खुद ही बेवकूफ हो। सुन लिया नितिन, ये और भी कुछ सुनना बाकी है। मम्मी आप 2 मिनट चुप रहिए, शांत रहिए 2 मिनट। देखो बेटा, देखो हो सकता है तुम लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी, हमारी बेटी वैसी नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो। आपकी बेटी कैसी हो तो हमने देख लिया, एकदम झूठी है। हमारी बहन अगर किसी से प्यार करती
तो वो किसी को भले ना बोलती पर हमसे नहीं छुपाती। बिना तुम्हारी बहन के प्यार किए भैया इतना कुछ किए, बिना उनके प्यार के ही भैया को तमाचा मारी और भैया चुपचाप सह लिए। बिना किसी के प्यार किए कोई इंसान अपने हाथ पर किसी का नाम नहीं गुदवा लेता। देखना चाहते हो? अब दिखाते हैं तुम्हें, ये देखो। भैया का पागलपन है प्यार। अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा क्या किसी को? मिटा सकता है इस नाम को? बोलो, मिटा सकता है तुम में से कौन इस नाम को? अरे भैया तो भोले थे जो प्रतिज्ञा जी के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख लिए और ये का की फट से सब कुछ भुला के किसी दूसरे के साथ चली गई। देखो ये प्यार मोहब्बत का मामला है, हमको तो लगता है ये लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है। वो प्रोफेसर साहब, क्या अभी भी आपको लगता है कि आपकी लड़की जो है वैसी नहीं है? ये लोग जो कुछ कह रहे हैं क्या वो सच है बेटा? आपको क्या लगता है पापा? देखिए प्रतिज्ञा जी, चुप रहने वालों के लोग मुंह से निवाला छीन लेते हैं। अरे इसलिए हम कह रहे हैं बोलिए, सबके सामने सच को लेके आइए। अरे ऐसे हम किसी और की आपको नहीं होने देंगे, जब तक बात क्लियर नहीं हो जाती हम यहां से नहीं जाएंगे, बता रहे हैं आपको। अरे पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए ना तो भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे आपको जीत के लेके जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं बेफिक्र होके बोलिए, बताइए सबको। सच क्या है वो हमें बताओ, तुम पर इस तरह कोई इल्जाम लगाए ये अच्छी बात नहीं है बेटा, बोलो बेटा सच क्या है? हम सबके सामने कह रहे कि हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है पापा, जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। चलिए।